तो दीन बंधु दयानिधि है प्रभु न्यायाधीश, सदा सहायक दीन के तुम्हें नबाऊं शीश। आदरणीय श्रोता बंधु, जनता की विशेष मांग पर ये डाकू राधाचरण का किस्सा भाग नंबर 6 आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज जिस समय वो राधाचरण बियाबान जंगल में समय गुजार रहा है पुलिस के डर की वजह से, उधर उसकी जो पत्नी सरवती है वो दुखी है, उधर क्या होता है तो राधाचरण क्या सोचने लगा कि मेरे करतार मैं कौए मेरी प्यारी कौए, मेरो समय गुजारे अरे ढाके में जी, भैया जी अरे तोलो पास में आई गो जागे, आई गो जागे जिगरी बुद्धा यार अरे ढाके में जी, दोस्तों उधर राधाचरण चिंता कर रहा था, उसका यार जो बुद्धा है वो आ जाता है। बुद्धा कहने लगा यार किस बात की चिंता करता है, राधाचरण बोला यार जो मेरा शाला मेरी पत्नी को लेवा करके ले गया है, मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है और अभी तक पहुंचाने नहीं आया। तो बुद्धा ने कहा कौन सी बड़ी बात है, अगर पत्नी मैके चली गई तो तुम चले जाओ और लुवा लाओ। दोस्तों आज उसी समय राधाचरण ने बहुत सुंदर घाट बनाए हैं, बादना हरा मेरे ढाके में कैसो सुंदर घाट बनायो, सिर में लैया हाथ पिस्तौल बगल में लोल को तुरंत दबायो, सुंदर सूरत धीरे बामन की देख के इंद्र देवल भी आयो, बनाए खाट बड़े सुंदर नार ससुरे पिया घुमायो, आज उधर राधाचरण ससुराल के लिए चलता है सुंदर ठाट बना करके, और उधर जो उसका साला राम सिंह था वो इंचार्ज अलीगढ़ वालों से मिला हुआ था। जिस समय इंचार्ज अलीगढ़ वालों से मिला हुआ था उस समय क्या होता है, बहुत मोटी रकम तय हुई थी राम सिंह के लिए कि तू अगर अपने बहनोई को पकड़वाएगा तो तुम्हारे लिए 52 बीघा जमीन और ऊपर से पैसा भी बहुत मिलेगा। सज्जनों आज जो राम सिंह था, राम सिंह ने घर आ करके भैया क्या चाल चलाई है, राम सिंह ने घर आ करके क्या चाल चलाई है, भैया जीवन कुमति कमाई है, पेट से रखा पापी भरता, मरने से वो नहीं है डरता बना कसाई है, भैया जीवन कुमत कमाई है, भैया जीवन कुमत कमाई है,
मीठी मीठी बातें करता रहा। बहुत सुंदर हिफाजत की, बहुत सेवा की है। और दोस्तों उधर राधाचरण ने शाम को भगवान का भजन किया और राधाचरण उसी समय उस खटिया पर सो जाता है। सोचने लगा अब रात हो गई, सुबह होते ही अपनी पत्नी को लगा के ले जाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, मुसीबत में हर इंसान साथ छोड़ देता है। उधर क्या होता है, राधाचरण गहरी नींद में सो जाता है। एक रस्सी को लेकर के उसका साला राम सिंह राधाचरण को कसने लगा और जब रस्सी से कस रहा था, राधाचरण की उसी समय आंख खुल जाती है। आहा, जैसे आंख खुली, अरे लोभ में रमसीना तुमने कमाई है, राधाचरण की आंख खुली तो राधाचरण कहने लगा, अरे पापी लोभ में क्यों रमसीना। दोस्तों उसका जो साला राम सिंह था पत्थर कांपने लगा। राधाचरण कहने लगा, पिस्तौल हाथ में लगी थी, कह दे साले अपनी पत्नी से, चूड़ी फोड़े कह दे नार से, बचेगा नहीं तू मेरे बार से, घूसत ने थाने दार से साले लई था। हाथी गोली छाती पे मारी, गोली छाती पे धरनी गिराई, अरे लोभ में रमसीना तुमने कमाई। साले को मार करके और उधर अपनी पत्नी को सरबती को लेकर के रोती हुई आज अपने गांव में आ जाता है। उधर दोस्तों राधाचरण के पास पैसा एक भी नहीं था, सोच रहा था मैं भी बीमार हूं, मेरी पत्नी भी बीमार है, कैसे इलाज होना चाहिए। मन में बहुत दुखी है राधाचरण। और क्या होता है, नाहर ने बंदूक उठाई और ढाके की सीधी लगाई, आधी रात है गैया भाई, सबने मिलके दौड़ लगाई, एटा सार पहुंच गए जाई, तब नाहर ने विधि बताई, और साथ न करो समझाई,
आधा चरण क्या होता है, एटा की ओर चला और जैसे एटा की ओर चला रोड पर जा रहा था, दिन निकल आया उधर। राधा चरण ने हाथ बढ़ाई के दे दो है रेला, भैया जी पाने रुख से कहा, भाई डर मत, अभी तू हमें जानता नहीं। ठेला वाला कहने लगा, बाबूजी मेरी गाड़ी तो खाली है, मेरी गाड़ी में कोई माल नहीं है, आप क्या चेक करोगे? तो राधाचरण पुलिस के बाने में था, कोई बड़ा साहब लग रहा था। राधाचरण ने कहा, चेक कुछ नहीं करना, मुझे राधाचरण कहते हैं। और जैसे ये सुना कि मुझे राधाचरण कहते हैं, बस पसीना कान बह के नीचे टपकने लगा। वीर शास्त्री जी क्या होता है, कहने लगा, कहो महाराज। एकदम राधाचरण ने कहा, सर अलीगढ़ कलेक्टर आगरे वाला कह के बोलना है, अगर इससे आगे कुछ बात करी तो समझ लेना कनपट्टी पर गोली होगी। आज उसी समय उस ठेला में बैठ करके आगे की ओर चले, कहां के लिए? ठेला फौरन सेरने भैया पीछे तो हकवाई, भैया जी जाने पीछे तो हकवाई। देखी घड़ी ठीक रही बारहा, चला दबा दब ठेले बारा, कासगंज फिर पहुंचे आई और नाहर ने विधि बनाई। और एटा से कासगंज आ जाते हैं और ठेला को एक गली में खड़ा करा देता है, और जब ठेला को एक गली में खड़ा करा देता है तो कासगंज के अंदर एक जुलाया था, लेकिन जुलाया बहुत पैसे वाला था। और सूरज उस जुलाहे ने थानेदार से चुगली खाई थी राधाचरण की, तो सोचने लगा आज उस जुलाहे के घर ही डकैती डालनी है। सज्जनों, उस जुलाहे के घर जिस समय राधाचरण को पकड़वाने के लिए जुलाहे ने चुगली खाई थी, और जुलाहे के घर राधाचरण पहुंच जाता है और राधाचरण को देख करके जुलाया हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बाबूजी कैसे आना हुआ? लेकिन राधाचरण तो पुलिस के इंस्पेक्टर के बाने में था। अरे हाथ जोड़ के कहे जुलाया, कहे जुलाया, सुनियो हाकिम मेरे सरदार पंचोजी। अरे क्यों न सीखता बनिए जो हम पे, बाबूजी कैसे आए गए मेरे द्वार, बात मेरी धीरज सुनियो जी। राधाचरण ने आगे बढ़ के कान पर दो तमाचे जुगाड़ जैसे जुलाहे के लगाए, तो जुलाया कहने लगा, माफ करो बाबूजी, अब मैं बूढ़ा हो गया, पिटने के लायक नहीं। रोबन लगो जुलाओ पंचो, सरदारों ने नन में आंसू बह रहे आज रे जी। अरे जोड़ो हाथ गिरो रे पामन में, बाबूजी मेरो करियो माफ कसूर, अरे बाबूजी मेरे जी। जुलाहे
भाई के कान पर दो थप्पड़ पड़े, राधा चरण के पैरों में गिर गया, माफ करो बाबूजी, मुझे माफ कर दो, दया करो। राधा चरण कहने लगा, रोता है साले, ला जो चाबी का गुच्छा है उसे तुरंत दे दे। और महल की चाबी के गुच्छा को ले लेता है और कान पर बंदूक लगा देता है। और जो संग वाले और सिपाही थे सभी से कहा कि इसे माल सब थैला में भर दो। आज राधा चरण ने सज्जनों उसी समय सारी संपत्ति को ट्रक में भरवा लेता है। और जब ट्रक में सब संपत्ति को भरवा रहा था उसी समय उस जुल्हाई की बेटी वहां पर आई हुई थी, उसी का भी जेवर रखवा लिया ट्रक में। लेकिन जुल्हाई की बेटी ने राधा चरण का नाम सुन रखा था। सूरज नाम क्या सुन रखा था? जुल्हाई की बेटी को यह पता था कि राधा चरण बहुत बड़ा दयालु है। आज वो जुल्हाई की लड़की आकर के राधा चरण के सामने खड़ी हो गई और राधा चरण के सामने खड़ी होकर के आंसुओं से रोने लगी, कहने लगी, भैया सुन ले कान लगाई मालू मेरो बाप सकर जा भाई, लड़की सामने खड़ी भाई भाई तू है पामन गुरे तलाई, अरे गौतर खाई बे कौमे मोई धोखो मैं गए भाई, राधा चरण से वो लड़की कहने लगी, बाबूजी मेरा माल वापस कर दो, जो मेरा माल है उसे वापस कर दो, मैं तो सिर्फ गौतर खाने के लिए आई थी, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। आज उसी समय राधा चरण कहने लगा अपने बुद्धा से, जो बचपन का यार था, बुद्धा बचपन मेरे ईश्वर ने, अरे ईश्वर ने लूटी दुखिया नारी रे, जा दुखिया को अरे बचपन में भैया ये तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, ये दुखिया बड़ी दुखिया है, बचपन में इसका प्रभु इससे लूट गया, अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी साथियों से कहा इसका जो माल है इसे वापस कर दो ठेला से। लेकिन बुद्धा कहने लगा, साहब अगर इस लड़की का माल वापस दिया जाएगा तो गांव वाले कहेंगे कि राधा चरण का इसका मिला हुआ हाथ होगा, इसका माल कैसे वापस कर दिया। अरे भोर हो तखन जा लड़की की आ जाए जाने तबाही में, भोर हो तखन भोर हो तखन जा लड़की की आ जाए जाने तबाही में, भोर हो तखन जा लड़की की। और घर वालों को पता चलेगी ऐसी दौलत कहां बचेगी, घर वालों को पता चलेगी ऐसी दौलत कहां बचेगी, आवे पुलिस जाए लड़की की आ जाए जाने तबाही में, भोर हो तखन जा लड़की की। आज उसी समय राधा चरण ने कहा इसका माल वापस कर दो। लेकिन राधा चरण सोचने लगा अगर इसका माल वापस करता हूं तो पुलिस आएगी और लड़की जेल जाएगी। राधा चरण ने कहा जितना ठेला है सभी खाली कर दो, कितना बड़ा दयावान। आज उस जुलाहे पर दया आ गई, नाथू राम मित्र के घर में आ गई पंचो कंगाली, नाथू राम मित्र के घर में। अरे धीरा धरैया ना कोई मेरो कोई मेरो दिखे जग में ना आई रे जी, ऐसा ही नहीं दोस्तों, ट्रक खाली करवा दिया और 500 रुपए ट्रक वाले को अपनी गांठ से देकर के कहा कि अब जाओ तुम जहां जा रहे थे
राधा चरण लौट करके ढाके के लिए जब आ रहा था तब तक दिन निकल आता है। और उधर एक नाथूराम पंडित जी थे, जो नाथूराम पंडित जी थे उनके घर में गरीबी आ गई और बिटिया का विवाह करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो नाथूराम पंडित जी अपनी बेटी को मारने के लिए जंगल में लेके आए हैं। लेकिन उधर से बेटी को मारना चाहते थे लेकिन तब तक राधा चरण की घोड़ी आ गई। उधर क्या होता है, नाथूराम पंडित रो रहे थे जंगल में और नाथूराम मित्र के घर में आए गई पंचो बीमारी। नाथूराम मित्र के घर में बेटी को मारने के लिए खड़े नाथूराम जंगल में लेकिन रो रहे हैं, अरे धीरा धरैया ना कोई मेरो ना कोई मेरो, दिखे दुनिया में कोई घोड़ी को बराबर लगा दिया। धीरज शास्त्री जी क्या होता है, राधा चरण कहने लगा पंडित जी क्या बात है, लेकिन पुलिस की वर्दी को देख करके पंडित जी घबराने लगे। पंडित जी कहने लगे दुख एक ही बात का है, मेरे ऊपर वो मुसीबत वो घड़ी टूटी है कि जिस मुसीबत जिस घड़ी का कोई मारपार नहीं है मेरे ऊपर, ना है पास में पैसा मेरे बाबू जी मैं कैसे बचाऊं ब्याह रोए गए वो ब्राह्मण हितकारी ने। अरे गरीबी ऐसी आई गई मोह पे बाबूजी कोई धीरा धरैया नाही दे सभा रथ में मेरो रे। से मारन करे बिटिया को बाबू
लगा राधाचरण के गले में 5 तोले की लर पड़ी थी, झटका मार के तोड़ करके और पंडित को देता है। उधर पांचों उंगलियों में एक एक तोला की सोने की अंगूठी पड़ी थी राधाचरण के, वो अंगूठी उतार के देता है और कहता है ये जेवर ले जाओ, इसे बेच करके अपनी बिटिया का विवाह कर देना, लेकिन ये गलत कदम मत उठाना। पंडित जी को समझा करके चला जाता है और हमारा ये वॉल्यूम नंबर 6 राधाचरण का यहीं पर समाप्त होता है।